एवरीवन गाइस, आज मैं बनाने लगी हूँ रामपुरी कोरमा, जो रामपुर में कोरमा बनाया जाता है शादियों में। इसके लिए मैंने ये गोश्त लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, पीसीस का अच्छे अच्छे पीसीस का ये गोश्त लिया है मैंने। इसके लिए मैंने ये प्याज को कटिंग करी है बारीक, हरी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता 2-3, और ये हमारे मसाले हैं धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, पीली मिर्च और नारियल का बुरादा, नमक। और ये हमने पीसने के लिए प्याज ली है 3 मीडियम साइज़, 1 किलो हमारा गोश्त है तो पीसने के लिए 3 मीडियम साइज़ हमने प्याज ली है। ये हमारे खरबूजे के बीज हैं और ये हमारी बड़ी इलायची है, जायफल, जावित्री और दालचीनी वगैरह, 1 बाउल भर के हमारा दही। ये सब 1 किलो गोश्त का मेजरमेंट है। ये हमारी फ्राई करने वाली प्याज है, जिसको हम फ्राई करेंगे। 2 प्याज हैं, पीसने वाली प्याज हमारी 3 मीडियम साइज़ की 3। अब हम आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। 3 प्याज जो हमने ली थी मीडियम साइज़, वो हमने पीस ली है। कुकर में मैंने रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया, 5 बड़े वाले टेबल स्पून आप रिफाइंड तेल ले। हम प्याज और ये जो हमने मसाले लिए थे खड़े, ये ऐड कर देंगे इसमें, अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। ये मैंने प्याज और तेज़पत्ता जो इलायची ली थी उसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया। अब उसी कुकर में बारी आती है गोश्त डालने की, इसमें हम अपना सारा गोश्त ऐड कर देंगे। हम 2.5 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे, बहुत अच्छे से इसको भून लेंगे हम। अब जो हमने प्याज पीसी थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे। जब तक इस प्याज के साथ हमने ये जो बीज लिए थे इसके मस्कमेलन के, वो और ये इलायची, ये सब सामान जो है वो इसके साथ हम पीस लेंगे। प्याज के साथ अपनी ग्राइंडर में सभी मसाले डाल के हम इसको पीस लेंगे अच्छे से। प्याज वाला हमने पेस्ट ये सभी पीस के रख लिया है साइड में। अब बारी आती है सभी पाउडर्ड मसाले ऐड करने की, जिसमें हमने ये नारियल का बुरादा भी है, ये हम इस गोश्त में ऐड कर देंगे। तो हमारा गोश्त बन रहा है, बहुत ही मज़े का कोरमा बनता है, आप इसको प्लीज़ गाइस ज़रूर ट्राई कीजिए। मसाले ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे इस तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे, काफ़ी सारे मसाले हमारे भुन जाएँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस पॉइंट पर इसमें हम दही ऐड कर देंगे, तो हमने ये 1 बाउल दही लिया था वो ऐड कर देंगे। दही ऐड करके भी इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे दही के साथ। तो जो है वो 70% कुक हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा ये पानी डाल देंगे इसको गलाने के लिए, और इसमें 3-4 स्टोल लगा देंगे तब तक गोश्त हमारा गल ना जाए। फिर उसके बाद आपको गाइज, ये हमारा कोरमा जो है रेडी हो चुका है। मैंने चेक कर ली इसकी पीसेस, जो हमने प्याज और सभी आपको मसाले दिखाए थे बीज वगैरह, उनका पेस्ट पीस दिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे हम इस तरीके से मिक्स करके। इसके साथ अच्छे से इसको भून लेंगे, इस पेस्ट के साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे। वो हमने मिक्स कर दिया इसके अंदर, इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे फिर हम इसकी। गाइज, ये हमने जो प्याज फ्राई करती सभी चीज़ें उसके साथ दिखाई थी, उनके साथ हमने इसको अच्छे से भून लिया है। बिल्कुल हमारा कोरमा अच्छे से भून चुका है। देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल देंगे, थोड़ी सी भुनी हुई केवड़ा की हम ऐड कर देंगे इसमें बस। अभी अच्छे से भुनाई हो चुकी है इसकी। अब ये रामपुरी सीक्रेट है शादियों वाला, जो कि पूरा सालन बनने के बाद, पूरा कोरमा बनने के बाद हम इसमें ये 1 कप दूध ऐड कर देंगे, बिना मलाई का 1 कप दूध इसमें ऐड कर देंगे हम बस। इसको थोड़ा सा चलाएंगे इस तरीके से चला के, और ढककर रख देंगे, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये रामपुरी शादी वाला कोरमा है, इसका सीक्रेट है ये, मैं आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है इसका, बहुत ही अच्छा लगता है। गाइस, ये हमारा रामपुरी शादियों वाला कोरमा, रामपुरी शादी वाला कोरमा रेडी हो चुका है। देखिए कितना
लजीज लग रहा है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू, बहुत ही यमी। देखिए दानेदार कोरमा बिल्कुल। ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस, बहुत ही अमेजिंग बनाया।